हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूं आपका एक और नई वीडियो में। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो अपनी प्रेगनेंसी में हर काम बहुत ही सोच समझकर करती है, जैसे कि उसे क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे रहना है, क्योंकि गर्भावस्था का समय हर माँ के लिए बहुत यादगार होता है। वो नहीं चाहती कि किसी भी वजह से उसके होने वाले बेबी को कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो हर कोशिश करती है जिससे उसका बेबी हेल्दी हो। बट कभी कभी अनजाने में वो कुछ ऐसी चीज़ें खा लेती है जो उसकी और उसके बेबी के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में किन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो इनमें सबसे पहला है पत्ता गोभी। ये तो आप सभी जानते होंगे कि पत्ता गोभी को उगाने में काफ़ी कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, तो आपको इस टाइम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी है जिसमें बहुत ज़्यादा कीटनाशक यूज़ किया जाता है। सेकेंड है करेला। वैसे तो करेला आपके भ्रूण को विकसित करने में आपकी काफ़ी मदद करता है, पर करेले के बीज में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो आपकी प्रेगनेंसी को बिगाड़ सकता है। तो अगर आपको करेला बहुत पसंद है तो आप क्या करें, करेले में से बीज को निकाल दें, उसके बाद ही उसकी सब्जी बनाएं। आपको करेले के बीज को अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं खाना है। थर्ड है बैंगन। बैंगन में एसिडिक गुड़ होते हैं जिसे खाने से पीरियड आ सकते हैं, आपका मिसकैरेज हो सकता है और साथ ही साथ आपकी बॉडी में खुजली हो सकती है। तो आपको अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बैंगन बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि मिसकैरेज का खतरा इन्हीं 3 महीने में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आप कभी कभी बैंगन को खा सकते हैं, रेगुलरली ना खाएं। फोर्थ है कच्चा पपीता। पपीते में लैक्टस पाया जाता है जो कि आपके बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है, और साथ ही साथ पपीता खाने से आपको कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं, इससे भी आपका मिसकैरेज हो सकता है। और अगर आपका लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो फिर आपकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, तो आप पूरी प्रेगनेंसी में ही पपीते का सेवन बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट है अदरक। वैसे तो प्रेगनेंसी में अदरक खाने से उल्टी जैसी प्रॉब्लम से आराम मिल सकता है, पर अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अदरक का सेवन ज़्यादा करते हैं तो इससे आपकी प्रेगनेंसी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने बहुत ही नाजुक होते हैं। नेक्स्ट है तुलसी के पत्ते। वैसे तो तुलसी के पत्ते बहुत ही फायदेमंद होते हैं, पर इन्हें खाने से भी आपको संकुचन होने लगते हैं और आपकी डिलीवरी पर इफेक्ट पड़ता है, तो आप इसे काफ़ी लिमिट में ही खाएं। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में इन सभी चीज़ों को नहीं खाती हैं या फिर लिमिट में खाती हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है, आपका बेबी भी हेल्थी होगा। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।